Hey guys, welcome back to my channel. My name is Obishtav and I'm a third year medical student in Orenburg State Medical University. यहाँ देख के बोल रहे हैं. So ये वीडियो है basically transport facility के बारे में कि यहाँ पे आप सवारी कैसे करते हैं, कॉलेज कैसे जाते हैं, बसेस कैसी चलती है, क्या फेयर होता है, आप किस बस में बैठते हो, आप कहाँ पहुँचते हो. ठीक है, तो ये मैं तो ओरेनबर्ग में पढ़ता हूँ. तो ओरेनबर्ग की स्पेसिफिकली बात करेंगे हम लोग. यहाँ पे मोस्टली दो से तीन तरीके की बसेस होती है. ठीक है, तो पहली बस है जो ये वाली बस है जो यहाँ लगी हुई है ना, यहाँ देखो. इन बसेस पे अरमादा लिखा हुआ है. अरमादा है जो हॉस्टल की पीछे जो मॉल है ना, उसको वो अरमादा मॉल है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गई ऐसी बसेस जिनका फेयर होता है लगभग 22, 23, 25 ऐसा इनका फेयर होता है. मतलब आप 22 रुपये दो और कहीं पे पहुंचा देगी, 23 दो कहीं पे पहुंचा देगी, या किसी किसी का 25 होता है, किसी किसी का 28 होता है. तो ये बसेस जो है बहुत ज़्यादा समय लेती है, बहुत ही ज़्यादा. आप एक बार बैठ गए अपनी बस में तो कभी यहाँ पे ये जो है ये जो जगह है ना, ये अपने हॉस्टल से लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर है. अगर आप एक बार बैठ गए तो कम से कम ये 1 से 1.25 घंटा लेती है, क्योंकि ये बस पूरा सिटी घूम के जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये बसेस में. सेकंड बस है एक जो छोटी सी बस होती है, एक मिनी वैन टाइप. ठीक है, वो दिख रही है, हाँ ये वो दिख रहा ना वाली. उन बसेस पे एक 158 लिखा होता है. तो वो जो बसेस है इनका फेयर अभी ज़्यादा हो गया, 30 रुपीज़ इनका फेयर रहता है. आप 30 रुपीज़ दो, हॉस्टल से बैठो और आधे घंटे या 40 मिनट्स में आपको ये यहाँ छोड़ देगी. ऐसा है, ट्रैफिक अगर ठीक ठाक रहा या कम रहा तो. ठीक है, 30 मिनट या 40 मिनट में पहुँचा देगी. ये जो बसें ज़्यादा घूमती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में आती है, तो ये बसेस का ज़्यादा फ़ायदा होता है. बट ये बसेस रेयरली मिलती है, ज़्यादा इन बसेस का परसेंटेज कम है यहाँ पे. ठीक है, तो ज़्यादा बसेस वो जो बड़ी बसेस है ना वो वाली चलती है. और आप कोई कोई लोग आप कैब कर सकते हो. कैब यहाँ पे यैंडेक्स नाम की एक कैब है, एक पय खाली है, एक दीदी है, एक उबर है. जैसे आपने जब से अपने यहाँ पे ओला उबर है, ऐसे यहाँ ओला नहीं चलता, उबर चलता है. तो उबर का एक अलग ऐप आता है उबर रशिया करके. आप उबर रशिया फिर डाउनलोड करते हो और फिर आप कैब करते हो. कैब का फेयर लगभग 200-250-300 ऐसे होता है. तो एक कैब में 4 लोग बैठते हैं तो लगभग एक आदमी को 60-70-80 रुपये लग जाते हैं. उसके बाद में फिर एक वैन रहती है, वैन भी जो छोटी बस है ना वो 158 वैसी वैन रहती है. एक वैन आप कर सकते हो. ठीक है, आप जब भी ओरेनबर्ग आओगे आपको एक वैन का नंबर मैं दे दूंगा अगर आप आओगे तो. तो एक बंदा है दानिश नाम है उनका, उनके पास ऐसी वैन्स है. तो आप उनको मैसेज करते हो कि मेरे को 8 बजे कैंपस पहुंचना है सुबह, तो 7:30 बजे आप वैन लेके नीचे आ जाना हॉस्टल पे. तो वो 7:30 को बिल्कुल वहाँ रेडी रहेंगे. आप पूरा का पूरा ग्रुप उसमें बैठोगे, लगभग 16-17 लोग, वो आपको छोड़ देगा. ठीक है, उसके बाद में अगर आप उनको बोला कि मेरे को वापस भी जाना है घर 11 बजे, तो फिर वो 11 बजे फिर रेडी रहेंगे हॉस्टल से कैंपस का, और कैंपस से हॉस्टल वापस 700 रुपये. ठीक है, तो 700 रुपये बाय अगर 16 लोग हैं तो कम, तो वो लगभग आपको पड़ता है 45 रुपीज़ के आसपास. तो अगर आपको बस से हेक्टिक होता है ट्रैवल करना, तो आप उस वैन से भी कर सकते हो, बस 13-15 रुपये ज़्यादा लगेंगे. मेरे ग्रुप में अनलकीली हम लोग 16 लोग थे, आज हम लोग 12 बचे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद 4 लोग वो हो गए, रेस्टिकेट हो गए, तो हम लोग 12 बचे. तो हम लोग को परवड़ता नहीं, क्योंकि हम लोग को 60-65 रुपये जाता है एक आदमी का. 700 × 12 करोगे तो 58.3, तो 60 रुपये जाता है. इसलिए फिर हम लोग बस लेते कभी कभी. और कभी कभी अगर दूसरे ग्रुप की भी क्लासेस मेरे ग्रुप के टाइमिंग के साथ मैच करती है, तो तब मैं उनके इसमें वहाँ के 5-6 बच्चे और मेरे 12 ऐसे 16-17 बच्चे बिठा के एक वैन में जाता हूँ. तो ये पूरा समरी है आपके ट्रांसपोर्ट का. इसके बाद भी कोई समस्या हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताएंगे क्या क्या समस्या आपके निवारण करवेंगे. राम राम.
ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।